एक गरीब एक दिन मुस्लिम आदमी के पास अपनी जमीन बेचने गया। बोला, खान साहब मेरी 2 एकड़ जमीन आप रख लो। मुस्लिम आदमी बोला, क्या कीमत है? गरीब बोला, 50,000 रुपए। खान साहब थोड़ी देर सोचकर बोला, वही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है? गरीब, जी जनाब आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी देंगे तो भी मैं जमीन आपको दे दूंगा। खान साहब ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोचकर बोला, नहीं मैं उसकी कीमत तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। गरीब व्यक्ति बोला, पर मैं तो 50,000 रुपए ही मांग रहा हूँ, आप 2 लाख रुपए क्यों देना चाहते हैं? वह खान साहब बोला, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो? गरीब बोला, बेटी की शादी करनी है साहब, इसलिए मजबूरी में बेचनी पड़ रही है। खान साहब बोला, मुझे जमीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, मेरा अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। मित्र, ऐसी जमीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदा जाए वो जिंदगी में सुख नहीं देता, आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। मुस्लिम आदमी ने कहा, मेरे मित्र तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, 50,000 रुपए की व्यवस्था हम गांव वाले मिलकर करेंगे, तेरी जमीन भी तेरी ही रहेगी। दोस्तों, यही सच्ची इंसानियत है कि हम किसी की मजबूरी का कोई फायदा ना उठाएं, बल्कि सामने वाले की मजबूरी में उसकी मदद कर सके। वो गरीब हाथ जोड़कर नीर भरी आंखों के साथ दुआएं देता चला गया। दोस्तों, ऐसा जीवन हम भी बना सकते हैं, बस किसी की मजबूरी ना खरीदें, किसी के दर्द मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है, सच्चा यज्ञ है, सच्चा कर्म और सच्ची बंदगी है। इस बात पे चिंतन जरूर कीजिएगा। दोस्तों,